अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और स्टेप बाय स्टेप हम इसे बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg चिकन और इसे अच्छे से वॉश कर लिया था, तो हम यहाँ पर इसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और सारे इंग्रेडिएंट मैं आपको बताते चलूंगी। तो यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया था 2 serving spoon और इसमें कुछ चिकन के पीसेस फ्राई किए थे, तो इसी ऑयल में हमने कढ़ाई को भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, 1 kg चिकन था तो 2 प्याज सफिशियंट होंगी। तो हमने इस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई होने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है चिकन। तो यहाँ पर पूरा चिकन हमने इसमें ऐड कर देना है और इसे अच्छे तरीके से हमने फ्राई होने देना है। 10 से 12 मिनट तक हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट, तो एज पर योर टेस्ट आपने सॉल्ट ऐड कर देना है। और यहाँ पर मैंने 1 tablespoon ऐड किया है। फिर इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे तरीके से हमने चिकन को फ्राई होने देना है। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो गया है, काफ़ी कलर चेंज कर लिया है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है 3 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर ऐसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लेना है और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और इसे लंबा सा कट कर लेंगे और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सभी टमाटर को ऐड कर देना है और अब हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमने इसे कवर कर देना है ताकि जो हमारे टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए और उसका छिलका इजीली रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, 3 से 4 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो सारे हमने इसके जो ऊपर के स्किन है वो रिमूव कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने सारे जो टमेटोज की स्किन थी उसे रिमूव कर लेना है और इसके बाद इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स करते रहना है ताकि जो टमेटो है वो मैश हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। इस तरीके से हमारे जो टमेटोज है वो मैश हो गए हैं। अब हमने इसमें ऐड कर देना है कढ़ाई मसाला। तो कढ़ाई मसाले की रेसिपी में मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर 3 teaspoon हमने कढ़ाई मसाला ऐड कर देना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे चेक करें। फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर हम कुछ इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 teaspoon लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 teaspoon हमने इसमें ऐड कर देना है हल्दी पाउडर और फिर हमने इसे अच्छे से रखे मिक्स करना है और अच्छे से इसे भून लेना है। तो यहाँ पर हमने गार्निशिंग के लिए लिया है ग्रीन चिलीज लिए, हरा धनिया लिया है, इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। तो यहाँ पर इसमें ऐड कर देना है और इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। 1/4 teaspoon गरम मसाला पाउडर है और 1/4 teaspoon ही काली मिर्च का पाउडर है, इसे ऐड कर देना है। 1 मुट्ठी हरा धनिया है, हमने इसे भी शामिल करना है और कुछ सिप्स हमें पानी के ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर पानी की क्वांटिटी बिल्कुल कम रखनी है क्योंकि कढ़ाई में पानी बहुत ही कम जाता है, तो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस तरीके से हमने कढ़ाई की कंसिस्टेंसी को रखना है और अब हमें इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए चारकोल का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने चारकोल को रख दिया था, इसमें अब थोड़ा सा हमने घी ऐड कर देना है और इसे थोड़ी देर के लिए हमने कवर करना है। अच्छा, कुछ सेकंड्स के लिए ही आपने इसे कवर करना है वरना ये कड़वा सा टेस्ट दे देगी। तो अब हमें इसे हटा देना है और हमारी जो कढ़ाई है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार होती है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी फॉलो करना है और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को फॉलो करना है और मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।